दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फटाफट जीके में हम देखने वाले हैं टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फटाफट जीके की वीडियो ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आती है दोस्तों, आप इस वीडियो को रात में 9 बजे देख सकते हैं ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा मालवा का पठार, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजा रानी मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उड़ीसा राज्य में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर इज माउंट कोयस्को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर, ये दोस्तों 2228 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हरियक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों ये पुत्र था बिंबिसार का, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। देखिए 6000 क्वेश्चन आंसर्स की मास्टर पीडीएफ का जो ऑफर है दोस्तों वो समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त रात में 12 बजे। तो अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ को अभी तक परचेज नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस ऑफर में तो बाद में नहीं मिलेगी, पीडीएफ तो बाद में भी मिल जाएगी बट इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर 2023 की पीडीएफ फिर इसके साथ में नहीं दी जाएगी। इसमें फिर आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो इस ऑफर में अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, मास्टर पीडीएफ, जिसमें आपको करीब करीब 6000 के अलावा 2600 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और प्राइस भी क्या है, मात्र 150 रुपये पूरी लाइफ टाइम के लिए, मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगी 150 रुपये में। आप समझिएगा कि कितनी सस्ते में ये पीडीएफ आपको मिल रही है, कभी दोबारा से नहीं मिलेगी। तो इस पीडीएफ को आप डायरेक्टली ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हर एक स्लाइड में नीचे की साइड लिखा हुआ मिल जाएगा। 6ठा क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, पेट की अम्लता दूर करने में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, 6ठे क्वेश्चन का सही उत्तर। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सांची स्तूप की खोज मेरे प्यारे दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1818 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? देखिए कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर इज डगलस एंगलबर्ट ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हाथी के लिए, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि फटाफट जीके की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको करना क्या होगा,
यूट्यूब पर सर्च करना ओनली टॉप स्टडी फटाफट जीके प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएगी फटाफट जीके की। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो भारत में दोस्तों वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती, सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों, अपने भाई या बहन दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की उन तक भी शेयर कर देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं करती है कर सकती है, तो राइट आंसर इज, देखिए हवा में कर सकती है, पानी स्टील सब में कर सकती है, बट खाली स्थान में नहीं, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, तो राइट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मगरमच्छ के बच्चे को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर इज हैचलिंग, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर इज तंजानिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 17वां क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 18वां क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर इज मोनोपोली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज आरती शाह, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये भी याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सीपीयू, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 21वां क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा खालिस्तान निकोबार द्वीप समूह के से पृथक करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 10 डिग्री चैनल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है, तो 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 76 वर्षों में एक बार, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 23वां क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, देखिए हमारा ब्रह्मांड दोस्तों कितना पुराना है, तो राइट आंसर इज 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 24वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है, तो प्यारे दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है, तो राइट आंसर इज 6 वर्ष, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है, तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय के पास होता है दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 26वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा।
27वां क्वेश्चन है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कश्मीर के राजाओं का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 29वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 30वां क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रकाश के प्रकिरण से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 30वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी याद रखना है। प्यारे दोस्तों 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रखा है इस वीडियो के एंड में, तो इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग भी जरूर करिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF और YouTube की कई फ्री PDF मिल जाएगी। 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है दोस्तों, इस मास्टर PDF में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, GK सब कुछ मिलने वाला है। 2023 की करंट अफेयर भी इसी मास्टर PDF के साथ में मिल जाएगी। बट ये जो ऑफर है जो अभी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, 500 रुपये की PDF मात्र 150 रुपये में पूरी लाइफ टाइम आपको मिलने वाली है दोस्तों। हिंदी में ये PDF रहेगी और ये ऑफ़र रहेगा 15 अगस्त तक, उसके बाद में ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज करके भी PDF ले सकते हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है PDF के रिगार्डिंग तो केवल डायरेक्ट मैसेज करेगा, हाय हेलो मत करना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर PDF का लिंक दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये PDF आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।